दोस्तों सुक्रेट एक ऐसे महान फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए हंसते हंसते जहर पी लिया था। सुक्रेट का जन्म ग्रीक के एक बड़े शहर एथेंस में हुआ था। उनके पिता मूर्तियां बनाते थे। छोटी उम्र से ही सुक्रेट को सवाल पूछने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हमेशा हर चीज के बारे में हर किसी से सवाल किया करते थे और हमेशा ही नॉलेज और विजडम हासिल करना चाहते थे। सुक्रेट को वेस्टर्न फिलोसफी का फादर भी कहा जाता है। आज मैं सुक्रेट के ही कुछ सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल फिलोसफीज आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। ये फिलोसफीज आपको आज से लेकर मरते दम तक हमेशा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं बल्कि सुनना और समझने की कोशिश करना कि आखिर सुक्रेट की ये फिलोसफीज आपकी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फिलोसफी नंबर 1, द बिगेस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। सबसे बड़ा ज्ञान इस बात को जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। सुक्रेट कहते हैं कि दुनिया हमसे बहुत बड़ी है और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम इस दुनिया के बारे में जान सकते हैं। इसलिए कभी भी ये घमंड मत करो कि आपको सब पता है। याद रखो, सबसे बड़ा बेवकूफ वही होता है जिसको ये लगता है कि वो सब जानता है, और सबसे बड़ा समझदार वही होता है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता और उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस माइंड के साथ चलने वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और वो अपनी समझदारी और विजडम को बढ़ाता रहता है। प्रिंसिपल नंबर 2, नो मैन हैज द राइट टू बी एन एमेच्योर इन द मैटर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। इट इज अ शेम फॉर ए मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच हिज बॉडी इज कैपेबल। सुक्रेट का ये कोट हर उस आदमी को जरूर सुनना होगा जो किसी भी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग करता है। सुक्रेट यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर बहुत कुछ करने के काबिल है, ये शरीर बहुत बलवान है। आपको इसको मेंटेन करना होगा, आपको इसे ट्रेन करना होगा। जो आदमी इस बॉडी की काबिलियत को देखे बगैर ही बूढ़ा हो जाए, ऐसे आदमी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। उनके शब्द थोड़े कड़वे हैं पर सच है। एक्सरसाइज हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को एक ऐसे फ्लो में बांध देती है जो आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करता है, और ये हमारे लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है। एक्सरसाइज करने के इतने फायदे हैं, इस टॉपिक पर एक डिफरेंट वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे एक्सरसाइज हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम करने, हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने, हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने और हमारे स्ट्रेंथ, मास और हाइट के गेन के लिए भी काम आती है। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। एक्सरसाइज करने से आपका दिल, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हेल्थी रहता है। एक्सरसाइज करने से हम हार्डवर्क, स्ट्रगल और डिसिप्लिन की वैल्यू को समझते हैं, और न जाने एक्सरसाइज के कितने ही ऐसे फायदे हैं जो आप नहीं जानते होंगे। इसलिए अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को ट्रेन जरूर करो एंड ईट हेल्दी एंड ट्रेन योरसेल्फ। प्रिंसिपल नंबर 3, गार्ड योर रेपुटेशन मोर देन योर लाइफ। सुक्रेट के क्रांतिकारी विचारों और फिलोसफीज की वजह से पूरे ग्रीक किंगडम में वो फेमस हो चुके थे। एथेंस के राजा को ये डर था कि कहीं सुक्रेट उसके राज्य के लोगों को भड़काकर उसके खिलाफ ना कर दे। सिर्फ एथेंस का किंग ही नहीं बल्कि बहुत से पॉलिटिशियंस और फेक फिलोसोफर भी सुक्रेट से चिढ़ते थे। सुक्रेट का कोई एक दुश्मन नहीं था। जिस तरह से वो डिबेट्स में क्वेश्चन पूछ कर सामने बैठे ज्ञानी लोगों की बोलती बंद कर देते थे, इस तरह से उनके हजारों दुश्मन तो बनने ही थे। और इसी पॉलिटिक्स की वजह से सुक्रेट को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जेल में ये बात कही थी कि मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया तो मेरे विचार मर जाएंगे, मेरी कही हुई बातें गलत साबित हो जाएगी, और अगर मैं नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा और मेरे विचार अमर हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आज भी सुक्रेट के विचार और उनकी लेगेसी जिंदा है। आज लोग उनका नाम पूरी रिस्पेक्ट और ऑनर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपने विचारों, अपनी रेपुटेशन को इम्पोर्टेंस दी। इसलिए हमें भी हमेशा अपने प्रिंसिपल, वैल्यूज और रेपुटेशन को लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और यही काम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने भी किया था। उन्होंने अपने उसूलों के लिए अपनी जान दी और आज इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट और ऑनर करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज अ फाइटिंग हार्ड बैटल। सुक्रेट एक बहुत ही सिंपल और हम्बल इंसान भी थे। वो हर इंसान को एक समान मानते थे, चाहे वो कितना अमीर या गरीब क्यों ना हो, औरत हो, आदमी हो, मालिक हो, नौकर हो, व्यापारी हो या मोची हो। सुक्रेट कहते थे कि काइंड रहो। हर इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबके अपने ड्रीम्स हैं। किसी को जज मत करो, क्योंकि आप हर किसी को पर्सनली नहीं जानते। इसलिए हम्बल रहना आपकी एक क्वालिटी है। इससे आप खुद भी स्ट्रेस फ्री रहोगे और सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। प्रिंसिपल नंबर 5, एवरी एक्शन हैज इट्स प्लेजर एंड इट्स प्राइज। आप जिंदगी में कोई भी काम करो, उसके अपने फायदे होते हैं और उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी।
जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थोड़ा दर्द होगा, पर एक्सरसाइज करने की वजह से आप पूरी जिंदगी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगे। वहीं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप उस टेम्पररी पेन से तो बच जाओगे, मगर इससे आगे चल के आपकी हेल्थ को ही नुकसान होगा और बल्कि ज्यादा नुकसान होगा। इसी तरह से हर काम के अपने प्लेजर और पेन होते हैं, और सोक्रेट कहते हैं कि हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके प्लेजर और पेन को समझना चाहिए। अगर उस एक्शन से होने वाला पेन टेम्पररी है पर उसका प्लेजर आपको जिंदगी भर मिलेगा तो काम जरूर करो, और अगर कोई काम टेम्पररी प्लेजर दे रहा है और उसकी वजह से आपको लॉन्ग रन में दुख दर्द झेलने होंगे तो वो काम कभी मत करो। प्रिंसिपल नंबर 6, आई एम नॉट एन एथेनियन नॉर अ ग्रीक बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सोक्रेट कहते थे कि हमें इंसान के रंग, जाति, धर्म और देश के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बॉर्डर्स तो हमारे बनाए हुए हैं, वरना तो पूरी दुनिया एक है। इसलिए सोक्रेट हर किसी को यही सीख देते थे, फिर चाहे वो ग्रीस का हो या किसी और देश का। जैसे हमारे हिंदू धर्म के वेदों में कहा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक है। यहाँ रहने वाला हर इंसान, हर लिविंग ऑब्जेक्ट, फिर चाहे वो किसी भी देश, धर्म या संप्रदाय का हो, वो हमारे ही लोग हैं। इसलिए खुद को आपस में बांटना छोड़ो और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंड प्रिंसिपल नंबर 7, द बेस्ट वे टू लिव विद ऑनर इज टू बी व्हाट यू प्रिटेंड टू बी। सोक्रेट यहाँ पर सच्चा इंसान बनने की बात करते हैं। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग फेक हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के बल पर खुद को बड़ा दिखाते हैं जब अंदर से उनकी जिंदगी खोखली है। इसलिए सोक्रेट कहते हैं कि अगर आदर और सम्मान चाहते हो तो वो इंसान बनो जैसा आप खुद को दिखाते हो या दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक कुछ फेक नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक किसी को झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रख सकते। अगर दूसरे को ये दिखाते हो कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्यूरेजियस हो, पर जब कहीं करेज शो करने की बात आती है तो आप 9 to 11 हो जाते हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिलोसोफर तो बहुत हुए, पर सोक्रेट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल के लिए जहर पीकर मरना भी सही समझा, इसलिए आज हम उनको ऑनर करते हैं। इसी तरह अगर आप भी जैसा खुद को दिखाते हो बताते हो वैसे बनोगे तो आपको भी एक ऑनरेबल पर्सन समझा जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्र साइनिंग ऑफ।